हेलो एवरी वन आई एम योअर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन लेट मे एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू द क्वेश्चन से इज दैट कोकोनट मिल्क कंटेन्स ए बी ए ऑक्सिन साइटोकाइनिन और जिप्रिलिन मतलब इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया कि जो कोकोनट मिल्क होता है वो उनमें कौन सा अमाउंट ऑफ हार्मोन जो होता है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है तो अगर हम यहाँ पर देखिए आंसर की बात करें तो जो साइटोकाइनिन होगा या फिर जो ऑप्शन थ्री होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अब हम आपको दिखाते हैं कैसे देखिए अगर हम बात करें कोकोनट की कोकोनट क्या होता है देखिए कोकोनट जो होता है वो एक सीड ड्रूप होता है इट इज अ सीड ड्रूप ऑफ अ कोकोनट पाम जो कोकोनट पाम होता है देखिए ये उसका सीड ड्रूप होता है और यहाँ पर देखिए बात हो रही है इस कोकोनट मिल्क की तो कोकोनट मिल्क क्या होता है देखिए कोकोनट मिल्क जो है इट इज एन एक्सट्रैक्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है एक एक्सोस एक्सट्रैक्ट होता है सो इट इज एन एक्व एक्सट्रैक्ट ऑबटेन फ्रोम व्हाइट सोलिड एंडोस्पम जो व्हाइट सोलिड एंडोस्पम होता है एक कोकोनट का ऑफर कोकोनट एक कोकोनट का देखे जो व्हाइट सॉलिड एंडोसपम होता है या फिर हम यहाँ पर बात करें तो जो मैच्योर्ड कोकोनट होता है अगर हम स्पेसिफाई करें यहाँ पर तो जो मेच्योर्ड कोकोनट का जो वाइट एंडोसपम होता है देखिए उससे जो एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है उसे जो है हम कोकोनट मिल्क कहते हैं अगर हम इस कोकोनट मिल्क के यूज़ की बात करें तो देखिए इसको हम जो है मेनली यूज़ करते हैं इन फूड इंडस्ट्री जहाँ पर देखिए फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि आइसक्रीम सोप्स इसके अलावा जो डिफरेंट जो डिशेज होते हैं वो इस पर बेस्ड होती हैं सो so, इसका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट यूज है और उसके अलावा अगर हम यहां पर कोकोनट मिल्क के एक सेकेंड यूज की बात करें तो देखिए इट इज यूज इन द प्रिपरेशन इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर देखिए जब प्लांट टिश्यू कल्चर किया जाता है लैब्स में तो जो कल्चर मीडिया परफॉर्म किया जाता है जिसमें हम प्लांट के टिश्यूज़ को ग्रो करते हैं तो हम उसमें जो है कोकोनट मिल्क को डालते हैं मतलब कि कोकोनट में देखिए जो उसके कॉन्स्टिटुंट होते हैं जो उसके कंपोनेंट होते हैं उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो जो कोकोनट मिल्क होता है देखिए उसमें अगर हम उसके कंपोजिशन की बात करें तो उसमें एक जो है एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो काफ़ी हाई अमाउंट में होता है जिसको हम कहते हैं साइटो साइटोकाइनिन तो अगर हम कोकोनट मिल्क की बात करें तो देखिए कोकोनट मिल्क कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन मतलब कि क्या होता है देखिए इसमें हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन होता है और ये जो देखिए साइटोकाइनिन होता है ये क्या होता है साइटोकाइनिन जो होता है देखिए साइटोकाइनिन एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है सो वी वी कैन से साइटोकन इज अ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन ये जो है ये एक प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन होता है और इस प्लांट ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो देखिये जब ये प्रेजेंट होता है तो वहां पर जो है ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को प्रमोट सेल डिवीजन इसके अलावा इसके और भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि ये एपिकल डोमिनेस और इसके अलावा एक प्लांट में काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है तो जो साइटोकाइनिन होता है देखिए जब इसको कल्चर मीडिया में हम ऐड करते हैं तो इसको जो है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन में ऐड किया जाता है तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन अगर हम बात करें तो देखिए जब ऑक्सीजन टू साइटोकोनिन साइटोकाइनिन की जब कंसनट्रेशन हाई होती है और लो होती है तो यहाँ पर जो है ये न्यू प्लांट में जो है प्रमोट करता है रूट और शूट को तो अगर हम देखिये बात करें अगर हम साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन का रेशो ज़्यादा रखते हैं तो ये प्रमोट करता है शूट को और अगर हम ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं साइटोकाइनिन से तो ये, रख, ये जो है प्रमोट करता है रूट को तो इसलिए जो है ये कल्चर मीडिया में ऐड किया जाता है कोकोनट मिल्क अब हमारा क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर यही था कि जो कोकोनट मिल्क होता है उसमें कौन सा जो है एक सब्सटेंस जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो यहां पर देखिए साइटोकाइनिन जो होगा वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम यहां पर देखिए ये कह सकते हैं कि जो यहां पर ऑप्शन थ्री होगा वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर बाकी के जो ऑप्शंस के यहां पर प्लांट ग्रोथ हार्मोन होंगे जैसे कि ए बी ए देखिए ए बी ए ऑक्सीजन और जिप्रेलिन में से जो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है देखिए वो साइटोकाइनिन का होता है सो so, यही हमारे यहां पर ऑप्शन होगा आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू